हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक को अलग से मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूं। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर को हमने ऑपरेटर्स की कैटेगरी में नहीं पढ़ा। ऑपरेटर्स जब हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में, तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर को नहीं पढ़ा था। इसको मैंने कवर किया है लेक्चर नंबर 6, डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज पार्ट 3 में। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा इसी चैनल पे, या फिर आप यही टाइटल लिखकर सर्च कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को हमने क्यों नहीं समझा था ऑपरेटर्स की लिस्ट में, उसकी एक वजह है कि कंडीशनल ऑपरेटर डिसीजन कंट्रोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। डिसीजन कंट्रोल में आपने इफ एल्स पढ़ा है, उसी के साथ में हमें कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ना होता है। ये ऑपरेटर में दो सिंबल लगते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो आइए इसको मैं आज फिर से डिस्क्राइब करता हूँ और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। तो कंडीशनल ऑपरेटर का ही दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं ऑपरेंड्स की संख्या के आधार पर। जैसे कुछ ऑपरेटर होते हैं यूनरी ऑपरेटर, जैसे मैंने लिखा प्लस प्लस एक्स, तो ये ऑपरेटर प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है और ये एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए। तो जिन ऑपरेटर्स को अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, उन्हें यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अगर किसी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है तो उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, जैसे कि प्लस ऑपरेटर या माइनस ऑपरेटर या ग्रेटर देन ऑपरेटर, इस तरह से। और जिस ऑपरेटर को तीन ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़े उसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर है। तो इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं और टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इसको बनाने का तरीका है क्वेश्चन मार्क और कोलन सिंबल। बेसिकली ये दो सिंबल मिलकर तीन सेक्शंस बना देते हैं। तो कुछ चीज़ हम क्वेश्चन मार्क के पहले लिखते हैं, कुछ हम क्वेश्चन मार्क के बाद लिखते हैं और कुछ हम कोलन के बाद लिखते हैं। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट बना, इसमें तीन चीज़ें हम लिख सकते हैं। नॉर्मली जो चीज़ हम सबसे पहले लिखते हैं उसको मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन वन, जो चीज़ मैं बीच में लिख रहा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन टू, और जो चीज़ मैं बाद में लिख रहा हूँ उसको बोलता हूँ एक्सप्रेशन थ्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन फोर क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ ए कोलन प्रिंट एफ बी, गॉट इट, लास्ट में सेमीकोलन। अब देखिए, जो बीच में प्रिंट एफ लिखा उसके बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसको नोटिस करिएगा। अब होता यह है कि जो सबसे पहला एक्सप्रेशन आपने लिखा है, ये x ग्रेटर देन 4 क्या है, एक्सप्रेशन 1, इसको इवैल्यूएट किया जाएगा ट्रू या फॉल्स में। आपको यहाँ पैरेंथेसिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 4 और इसको चेक करिए ट्रू या फॉल्स में। तो क्वेश्चन मार्क के पहले जो कुछ लिखा जाता है यानी एक्सप्रेशन 1 को इवैल्यूएट किया जाएगा ट्रू या फॉल्स में। अब यदि ये ट्रू आ जाता है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स आ जाता है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। तो ए प्रिंट होगा या बी प्रिंट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स ग्रेटर देन 4 ट्रू है या फॉल्स है। तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो सेलेक्ट करवाता है दो में से कोई एक स्टेटमेंट। तो ये तो इसका काम है। तो यही काम तो हम इफ एल्स के जरिए भी करते आ रहे हैं। तो जो काम हम इफ एल्स से कर सकते हैं वही काम हम कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे हम इफ लिखते हैं, इफ में कुछ कंडीशन लिखते हैं, इफ का ब्लॉक होता है उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्स लिखते हैं, और उसके बाद एल्स की बॉडी एल्स के स्टेटमेंट। अब यही चीज़ को अगर आपको कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना है तो जो कुछ यहाँ लिख रहे हैं उसको मैं 1 बोल रहा हूँ, जो कुछ यहाँ लिख रहे हैं उसको मैं 2 बोल रहा हूँ, और जो कुछ यहाँ लिख रहे हैं उसको मैं 3 बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो कुछ यहाँ कंडीशन में आपने लिखा था वो लिख दीजिए, उसके बाद लगाइए क्वेश्चन मार्क, जो कुछ आपने इफ के ब्लॉक में लिखा है उसको आप
यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क के बाद। अब आप कहेंगे अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में है तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको कॉमा से सेपरेट करना है, सेमी कोलन नहीं लगाना है। तो आपने जैसे इफ़ के ब्लॉक में 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद पहला स्टेटमेंट लिखिए, कॉमा लगाइए, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर कॉमा, फिर तीसरा स्टेटमेंट, और उसके बाद कोलन लगाइए, और फिर एल्स के ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरीके से आप किसी भी इफ एल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर हुआ। अभी इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली हम समझते हैं, इसके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। ये सेलेक्टिव असाइनमेंट के रूप में भी हमारे काम आ सकता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, और एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी। अब मैंने यूजर से दो वैल्यूज इनपुट करवाई, लेट से मैंने स्कैनफ लिखा और दो वैल्यूज यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ, और ये दोनों वैल्यूज मैंने रख दी हैं ए और बी में। तो मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ए और बी में जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर करी, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी एंटर कर सकते हैं, हो सकता है ए की वैल्यू बड़ी हो सकता है बी की वैल्यू बड़ी हो। ए और बी में जिसकी वैल्यू बड़ी है वो आप x में असाइन करते हैं। समझ में आया आपको, x में क्या रखना है, a और b में जो बड़ा है उसकी वैल्यू। तो if else से ये काम आप कैसे करते हैं, आप लिखते if a is greater than b, तो x में असाइन करो a, ठीक है। else आप लिखते x में असाइन करो b, got it। अब यही काम बहुत इजीली आप कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। यानी आप कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप ये ना लिखें, ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिखें, ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सेलेक्ट करो ए को, नहीं तो सेलेक्ट करो बी को, ठीक है, और जो भी सेलेक्ट हुआ है वो असाइन कर दो एक्स में। क्या ये बात समझ में आई, ये कंडीशनल ऑपरेटर है जिसका रिजल्ट या तो एक्सप्रेशन 2 आएगा या एक्सप्रेशन 3 आएगा, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर का काम सिर्फ इनमें से एक को सेलेक्ट करना है। तो जिसको भी इसने सेलेक्ट किया वो इसके इसकी जगह पर आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3 + 4 + 5, क्या होता है, 3 + 4 पहले होता है, तो जब 3 + 4 हो जाता है तो ये पूरा हट जाता है और इसकी जगह 7 आ जाता है। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है। यानी ऑपरेटर जब भी अपना काम कंप्लीट कर लेता है अपना रिजल्ट अपनी जगह पर छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही ये कंडीशनल ऑपरेटर जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो अपना रिजल्ट अपनी जगह पर छोड़ जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या है, एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 में से कोई एक, जिसको भी उसने सेलेक्ट किया। तो अगर एक्सप्रेशन 2 सेलेक्ट करा है तो ये बन जाएगा ऐसा, और अगर एक्सप्रेशन 3 सेलेक्ट किया है तो ये बन जाएगा ऐसा। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव असाइनमेंट। तो ये भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं। अब मैं प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को समझाता हूं आपको। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पर बना रहा हूं, मैंने लिखा मेन, और यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एक्स। अब मैंने लिखा एक्स असाइन लेट से 5 > 4, आपको मालूम है ये कंडीशन ट्रू रहने वाली है। अब मैंने लिखा 1, 2, 3 कोलन 4, 5, 6, ओके। अब जरा यहां पर हमको ये बताना है x में क्या वैल्यू स्टोर होगी, %d, और मैं यहां x की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, ओके। आपको बताना है कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 5 > 4 ट्रू है, इसलिए एक्सप्रेशन 2 चलेगा। अब चलेगा क्या, सेलेक्ट होगा, तो ये एक्स असाइन 1, 2, 3 लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा लिखा रहता है तो क्या वैल्यू एक्स के अंदर असाइन होती है, आइए इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया, आउटपुट आ रहा है 3। इसका मतलब आप ये ध्यान में रखिए कि कोलन के पास वाली वैल्यू असाइन होती है। यानी अगर एक्स कंडीशन ट्रू है तो कोलन के पास कौन है, 3, और अगर कंडीशन फॉल्स होती, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा होता तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो फिर कौन सेलेक्ट होता,
देखिए, ओके, तो हमको ये समझ में आया कि कभी इस तरीके से लिखा हो तो उसका क्या मतलब है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज देखते हैं, लेकिन अब जो मैं समझाने वाला हूँ वो अगर आपने फंक्शंस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब फंक्शंस चैप्टर पढ़ लेंगे तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन को कॉल किया है और जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको मैं एक्स में असाइन करवा रहा हूँ और फिर मैंने एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया। ठीक है, सिंपल सा कोड है। अभी ये फन फंक्शन जो है ना, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने लिखा इंट फन, अब मैं यहां लिखता हूं रिटर्न। ठीक है, 5 greater than 4, तो रिटर्न करो 5, नहीं तो रिटर्न करो 4। ठीक है, सिंपल सा है। तो क्या रिटर्न होगा, जो अब क्योंकि 5 greater than 4 कंडीशन ट्रू है तो 5 सेलेक्ट हो जाएगा, तो 5 यहां से रिटर्न होगा और वो कहां चल जाएगा, इस जगह पर। जब भी फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो वहीं जाता है जहां से कॉल हुआ है। तो यहां से ये 5 असाइन हो जाएगा किसमें, एक्स में, और वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए 5। तो अभी देखिए बिल्कुल सही है, 5 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करके ऐसे लिखता हूं, सपोज करिए मैंने लिखा 5 greater than 4 क्वेश्चन मार्क रिटर्न 5 कोलन रिटर्न 4। ठीक है, लगभग बात वही नजर आ रही है जो पहले हम कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करो 5, नहीं तो रिटर्न करो 4। लेकिन जब मैं इसको रन करता हूं तो इसमें एरर आती है, यानी एक्स कंडीशनल ऑपरेटर में इस तरीके से आप रिटर्न स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम बना के देखते हैं। 2 नंबर में ग्रेटर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से कोडिंग करता हूँ। मैंने लिखा मेन और इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए, ए और बी, प्रिंटर, एंटर 2 नंबर्स। यूजर ने जो 2 नंबर एंटर करे स्कैनएफ की मदद से हम उसको इनपुट करा देते हैं। स्कैनएफ और उसे रख लेते हैं ए और बी में, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। ओके, अब मेरे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं। कंडीशन ऑपरेटर की मदद से मुझे रिजल्ट निकालना है, तो मैं लिखता हूं प्रिंट एफ ग्रेटर नंबर इज परसेंट डी, और यहां पर किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूं, ए की करो या बी की करो, भाई जो बड़ा है उसकी कराइए। तो मैं लिखता हूं ए अगर ग्रेटर देन बी है तो ए सेलेक्ट करो, नहीं तो बी सेलेक्ट करो। दैट्स इट, ये हमारा बन गया प्रोग्राम। तो आपने देखा यहां पे मैंने प्रिंट एफ के अंदर ही ये एक्सप्रेशन लिख दिया है कंडीशन ऑपरेटर वाला, तो इसको रन करके बताता हूं। एंटर 2 नंबर्स, जैसे मैंने एंटर किया 11 और 22, तो ग्रेटर नंबर इज 22, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये कंडीशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी कैसी है। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी काफ़ी कम है, यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है यूनरी ऑपरेटर्स की। ठीक है, जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, फिर उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है। बिटवाइज ऑपरेटर्स यानी कि एंड, और, एक्सऑर, नॉट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड हुआ, और हुआ, राइट। इसके बाद नंबर आता है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो कंडीशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या सबसे कम है? नहीं, इससे कम है असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है,
तो इसका मतलब कंडीशनल ऑपरेटर काफी बाद में सॉल्व होगा। अच्छा, तो फिर एक और सवाल मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, देखिए क्या जवाब आप दे पाते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, ए और बी में कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, ए में रख लेता हूँ 4 और बी में रख लेता हूँ 5, और बी में रख लेता हूँ 5, ठीक है। अब अगर ये, अच्छा एक और वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स, ठीक है, मैंने लिखा एक्स में असाइन कर दो ए की वैल्यू कोलन वाई में, एक्स में असाइन कर दो बी की वैल्यू, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट एफ कुछ लिख देता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, पर ठीक है उससे पहले ही प्रॉब्लम है, उसको पहले समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये जो लाइन हमने लिखी है इसमें प्रॉब्लम, इस लाइन को हम जैसा सोच रहे हैं वैसा इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है। यानी हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, एक्स में असाइन करो ए कोलन एक्स में असाइन करो बी, ठीक। अब ये किस तरीके से ट्रीट होगा, एक्चुअल में ये इस तरीके से ट्रीट हो रहा है क्योंकि असाइनमेंट की प्रायोरिटी कम है तो वो बाद में सॉल्व होगा और इतना एक्सप्रेशन एक सिंगल एक्सप्रेशन माना जाएगा। अब कोई कहता है कि भाई एक्सप्रेशन यहीं तक क्यों नहीं मान रहे, ठीक है, इतना सा क्यों नहीं मान रहे, इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है ये अकेला ऑपरेटर नहीं है, क्वेश्चन मार्क और कोलन मिलकर ऑपरेटर है, तो यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं होती। यानी ए ग्रेटर बी और एक्स के बीच में क्वेश्चन मार्क कोई ऑपरेटर तो है नहीं कि वो लग सके, इसलिए यहाँ तक इसको नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये पूरा यहाँ तक इस एक्स तक इतना पोर्शन को एक एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं, असाइनमेंट बी को अलग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है, कंडीशन ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। कंडीशन ऑपरेटर को तीनों एक्सप्रेशंस अगर मिल गए तो कंडीशन ऑपरेटर पूरा हो गया। अब ये एक्सप्रेशन वन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन टू है एंड ये अकेले को एक्सप्रेशन थ्री कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पहले वर्क करे तो आप एक्स असाइन बी पे पैरेंथेसिस लगा दीजिए, और नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट वैल्यू में बी असाइन नहीं हो सकता, इसलिए एरर आएगी। तो अभी फिलहाल अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो एरर आएगी, ये देखिए एरर मैसेज आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर इसने एक्स तक ही एक्सप्रेशन को कंसिडर किया हुआ है। अगर आप चाहते कि एरर ना आए तो इसके लिए आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाकर इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा सकते हैं, और देखिए हमने वही किया है। अब मैं इसको एक बार फिर कंपाइल रन करने की कोशिश करता हूँ तो अब ये बिल्कुल चल जाएगा। अब ए ग्रेटर देन बी है पर नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है तो फॉल्स है, तो एक्स में बी की वैल्यू जाएगी यानी 5 और एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आउटपुट है, 5 आंसर आ रहा है। तो ये भी आपको एक चीज़ पता चली कि प्रायोरिटी का भी यहाँ पर खेल होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है कंडीशन ऑपरेटर के बारे में। यदि पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट ज़रूर से विजिट करिए www.mysurgi.com, क्योंकि अगर आप नहीं विजिट करेंगे तो आप बहुत सारे वीडियोस मिस कर रहे हैं। एक तो इस साइट पे डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, दूसरा काफ़ी कुछ कंटेंट है जो आप इस यूट्यूब चैनल पर नहीं देख पा रहे हैं। तो मेरे एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं तो दूसरे चैनल्स पर क्या रखा हुआ है उसकी जानकारी भी आपको इस साइट से मिल जाती है। ये मैक्सिमम वीडियोस जितने भी हैं ये सी सी प्लस प्लस जावा PHP MySQL बहुत सारी लैंग्वेजेस कवर करते हैं, तो आप इस साइट पे आएंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स भी इस साइट पे आपको मिलेंगे जो कि यूट्यूब वीडियोस पे नहीं मिलेंगे, तो आप एक बार इस साइट को विजिट करें क्योंकि ये कंटेंट बहुत सिंपल भाषा में है, हिंदी में है, तो बहुत लोगों के काम का है। अगर आपको भी लगता है कि आपके काम का है और बहुत लोगों के काम आ सकता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। थैंक यू।